हरि ओम श्री राम अम्बज्ञ। मैं वीणा दुबे कल्याण पश्चिम केंद्र से हूँ। मैं बापू के परिवार में, बापू ने 2004 से हमको शामिल किया। ये मेरा अनुभव ये COVID-19 के टाइम का है। 2020 के जुलाई के, यानी बारिश के टाइम के, तो एक दिन क्या हुआ, मेरा लड़की इधर कल्याण में रहती है प्रियंका, उसकी फ़ोन आई, मम्मी योगेश का एक्सीडेंट हो गया, यानी वो मेरा दामाद है, एक्सीडेंट हो गया। बोली इनको बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया, क्या हुआ अचानक, क्योंकि सुबह सुबह ऐसे हो गया, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो लोग दोनों ही रहते साथ में घर में, मतलब बाहर और कोई नहीं है, दोनों जॉब वाले, अभी क्या हुआ उनकी समझ में नहीं, ये गए फटाक से उनके घर पे। तो तभी मालूम पड़ा क्या हो रहा था। उस दिन वो अमेजॉन में जॉब करते, तो नाइट का टाइम, नाइट ड्यूटी का टाइम था उसका, तो ड्यूटी वगैरह करके सुबह वापस आ रहे थे बाइक पे, एकदम रोड एक ज़्यादा ये नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग टाइम था, कोई ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं था, आराम से आ रहे थे। तो कल्याण से भिवंडी से आ रहे थे, भिवंडी से कल्याण, भिवंडी रोड में कल्याण आने के जगह पे एक सडनली एक कुत्ता बीच में आ गया। तो वो कुत्ता को बचाने के चक्कर में ऐसे ब्रेक मारे ना, तो वो ऐसे स्लिप हो गया, बारिश के वजह से रोड वगैरह गिल्ला था ना, ऐसे स्लिप हो गया, इतना दूर जा गिरे ना, बहुत हालत खराब हो गया। तो उनका सब जगह पे हाथ पीते लगे, उनको उठने को भी नहीं हो रहा था, माथे पे लगे, हाथ पैर में लगे, सब जगह पे लगे, क्या करने का समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इधर एक अच्छा ऐसे हुआ है, तो सामने से कोई गाड़ी उस टाइम में नहीं आ रहा था। अगर सोचो ऐसे कुछ गाड़ी आता था सामने, क्या हो सकता था, ये भी हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे हुआ, फिर उसी टाइम में दो लोग आ रहे थे कोई रोड पे जाने वाले, इनको देख के आए इधर, क्या हुआ क्या, वो पूछे सब बोला उसने, लेकिन उसको उठ के खड़े भी नहीं हो पा रहा था वो। तो इन्होंने उसको उठा के खड़ा किया, फिर उसके बाइक पे बिठा के वो लोग खुद जाके उनके घर छोड़ के आए। हाँ, तो देखो इधर मैं बोलना चाहती हूँ, बापू देखो वो लोग छोटे बच्चे, उन लोग को बापू बीपू के बारे में कुछ, मतलब उनको पता है मम्मी ये सब बापू के जब फॉलो करती है करके, लेकिन उन लोगों को ये सब में कुछ भी नहीं पता ना, बापू के पास कभी गए वो लोग, तो भी बापू ने उसको उस टाइम में उधर बचाए उसको, कि उस टाइम में सामने से कोई गाड़ी आता तो उसका सिचुएशन कुछ और ही होता था। और वो दोनों लोग भी कहाँ से उस टाइम आए पता नहीं, उसको मदद के लिए आ गए, वो लोग दोनों जाके उसको घर में छोड़ के आए। तो ये बापू को हम बंदे बोलना चाहती हूँ। और बाजू के एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे वो, तो इनको तो देखने को आया, क्या हो गया करके, सब बिल्डिंग में सबको मालूम पड़ गया, तो सब लोग देखने लगे। फिर वो डॉक्टर बोले देखो मेरे एक अच्छा पहचान है इधर ही डॉक्टर के, मैं एक लेटर देता हूँ, तो वहाँ जाके उसको ट्रीटमेंट करा देना। अच्छा, तो ठीक है, इन्होंने उसको लेके गए उधर, सब ट्रीटमेंट वगैरह करे, पट्टी वट्टी लगाए, बहुत हाथ में लग गया था, पैर में लग गया था, माथे पे भी लग रहा था। तो तभी सब कराए, डॉक्टर चेकअप किया, शरीर में कहीं ये तो चोट तो नहीं लगी थी, फिर भी डॉक्टर बोले देखो उसको अभी बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनल इंजरी हो सकता है, तो ऐसे करके उसको एक सीटी स्कैन करा देंगे हम लोग, देखेंगे करके। तभी ठीक है बोल के इन्होंने बोला, सीटी स्कैन कराया गया, तभी बहुत अच्छा है, तो रिपोर्ट आया तो कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल था। अम्बज्ञ बापू, अगेन आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। तो इससे फिर बाद में सब हो गया, डॉक्टर बोले ठीक है आज एक दिन इसको इधर ऑब्जर्वेशन के लिए रख देंगे, कल डिस्चार्ज हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ बोले उसको अगले दिन उसको डिस्चार्ज वगैरह मिल गया, घर पे भी गया, विद इन ए वीक वो इतना अच्छा हो गया ना, वापस ऑफिस जाने लगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। देखो ये सबके पीछे बापू का जो हाथ है ना, बहुत बड़ा हाथ है, नहीं तो कुछ भी उस दिन कुछ भी हो सकता था। कुछ ठीक है। हरिओम श्री राम अम्बज्ञ।